ओके, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे एक ओपन मूवी थिएटर में. बहुत सही लग रहा है. तो दिस इज आवर मशरूम. आफ्टर 40 मिनट्स बहुत ज्यादा टाइम लगा. नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हाल. मेरा नाम है अलबेली ऋतु और अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. मतलब जैसे व्लॉग शुरू होता है मैं एक्साइटेड कैसे हो जाती ये. बट सुनो ना, आज हम खाने वाले हैं ग्रिल वाला बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना. तो अगर आप मेरे व्लॉग ऑल दिस वाइल फॉलो करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को खाना खाना कितना पसंद है. तो आज हम करने वाले हैं पाइनएप्पल ग्रिल और भी बहुत सारी चीज़ें, और हम अपने फ्रेंड्स को भी मिलने वाले हैं. तो यहाँ पे जो ग्रिल होता है वो छत पे होता है, तो अब हम वहाँ जाने वाले हैं. बट उसके बाद साथ में हम जाने वाले हैं मूवी देखने, और जो मूवी है वो गार्डन में लगती है, गार्डन में देखने में बड़े मजे आते हैं. आई होप आज आपको सैटरडे इन माय लाइफ देख के मजा आए. लेट्स रोल. तो अभी यहाँ पे हमारा कट रहा है पाइनएप्पल. प्रशांत, यू वांट टू से एनीथिंग? यार ये छोटा सा नाइफ है हमारे पास, इससे काटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. यस, बट कोई नहीं. तो हमारे पास है पाइनएप्पल जो अभी कट रहा है. ये हमारा प्याज टमाटर जो हम बर्गर में यूज करेंगे. हमारे पास बर्गर टिक्की, ये दिस इज फ्रॉम ट्रेडर जोस, और ये है भर भर के हमारे पास अच्छी अच्छी एकदम ड्रेसिंग जो हम डालने वाले हैं अपने बर्गर में. और ईस्ट और वेस्ट, अमूल इज द बेस्ट. अगर आप यूएस में रहते हो और अगर आप कुछ अमूल या ऐसा कुछ खाते हो तो आप मेरी ट्राई करो. अभी बस हमको ये सब काटना है, फिर हम ऊपर जाएंगे और ऊपर हम ग्रिल करना शुरू करेंगे. अच्छा, तो ऑलमोस्ट सारा सामान पैक हो गया है. मैं पाइनएप्पल लेके जा रही हूँ और प्रशांत बहुत सारा सामान लेके जा रहा है. बट सुनो ना, अभी हाथ एक ही है मेरा और एक में मैंने इतना भारी कैमरा पकड़ा हुआ है. एंड ऑल्सो क्योंकि मैंने अभी भी स्टार्ट किया है नया वाला कैमरा यूज़ करना, तो अच्छा पड़ा लग रहा है बट थोड़ा भारी लग रहा है. तो ये है हमारा हॉल में, जस्ट लेटिंग यू नो. और ये हमारा ऐसे इधर अपार्टमेंट में मेन एंट्रेंस टाइप है, मिनी एंट्रेंस टाइप, और यहाँ पे लिफ्ट मिलती है. अगर आपको इसका व्लॉग देखना है यू शुड कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो. मतलब मैं कितनी बार बोलती हूँ कि चाहिए या नहीं चाहिए एंड यू पीपल डोंट रिप्लाई. सो मुझे कॉमेंट करके बताना, आर यू इंटरेस्टेड इन सीइंग समथिंग लाइक दैट. आई थिंक कोई भी नहीं है आज. और ये वाली ग्रिल मशीन जिसके बारे में बात कर रही थी, सो इसमें आज हम ग्रिल करेंगे. हमारे पास दो है वैसे, बाय द वे, क्योंकि हम बहुत सारे लोग रहते हैं तो एक से चलेगा नहीं. एक ग्रिल मशीन यहाँ है, एक ग्रिल मशीन यहाँ है, और ये कुछ व्यू है. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही होता है यहाँ पे कि घर पे ग्रिल नहीं करते क्योंकि अपार्टमेंट है, और यहाँ पे जो जिनके पास घर होता है, घर मतलब वो हाउस, वो लकड़ी वाले, वो जो मूवीज में देखते हैं ना वैसे वाले हाउस, उनके भी घर के बाहर होता है. क्योंकि ना यहाँ पे फायर अलार्म और ये सब का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, तो सब चीज़ें ग्रिल टाइप चीज़ें बाहर होती है. अभी सामान हमने थोड़ा बहुत लगा लिया है, ये है हमारा ज़बरदस्त सामान. अब हम इस सबको थोड़ा थोड़ा ग्रिल करेंगे उधर. तो लेट्स स्टार्ट द ग्रिल फर्स्ट और फिर मैं आपको बाकी टेरेस घुमाती हूँ. टेम्परेचर ऊपर करके 400 फ़ारेनहाइट कर रहे हैं, और आई थिंक इस पे प्रशांत हैज़ डन दिस. एंड इफ़ यू गोना ओपन समथिंग लाइक दिस, तो इसके अंदर ना ऐसा होता है. और अभी एकदम मतलब अभी कुछ नहीं है, सो आई कैन टच इट. उसके बाद हमारे पास जो बेकिंग ट्रे है, बेकिंग पेपर है, वो यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे. और इसमें अब हम ज़बरदस्त खाना खाने वाले हैं. ऑल्सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक और एग्जैक्टली सेम मशीन है यहाँ पे, विच लुक्स रियली नाइस. और ये है हमारा टेरेस. अभी मैं अच्छे से आपको डिटेल व्यू नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको एक अलग व्लॉग बना के दिखाऊँ. बट ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे गार्डन भी है. एंड अच्छा, आधा दिखा देती हूँ. सो देर इज वन व्यू उधर, वो नहीं दिखाते. लेट जस्ट स्टिक टू दिस वन. ये वाली जो बिल्डिंग है, ये इसके पीछे जस्ट मॉल है जिसके ऊपर, वो याद है आपको, हमने जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे था तो यहाँ पे ऊपर चिक 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 करके फायरवर्क्स हो रहे थे. नीचे वो बहुत सारा यहाँ पे ऐसा ट्रैफिक होता है. दिस इज बेसिकली डाउनटाउन एरिया, तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक रहता है. उधर वाली बिल्डिंग में एक हमारे फ्रेंड्स भी रहते हैं थोड़ा पीछे. ये इधर पार्किंग है, और नीचे बस इतना ही मैं दिखा पा रही हूँ क्योंकि पता है क्या, क्योंकि इट्स वेरी हाई फ्लोर. दिस इज 23rd 24th फ्लोर, तो अगर आप यहाँ पे रहोगे, अगर इससे रहोगे तो गिरने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है. तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बीच में एक्सटेंशन होता है और वहाँ पे होता है. सो यहाँ पे यू कैन नॉट कम. वहाँ पे पूरी रेलिंग लगा रखी है, वहीं तक आप रह सकते हो, यहाँ नहीं आ सकते. एंड सिमिलर गोज टू द स्टाइल, इस साइड भी सेम चीज़ लगा रखी है क्योंकि आप गिर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी. अभी जाके देखते हैं टेम्परेचर क्या है हमारा. Set up a stage of lights. Say we're done, say it's over. Shouldn't be coming back, but somehow we connect. Acting drunk.
ओके सो अब हम आ चुके हैं ऊपर और ग्रिल करना शुरू कर रहे हैं। ये हमारे फ्रेंड राहुल और राहुल बहुत शाय है तो राहुल कम कम आएगा, रमा थोड़ा बहुत आएगी। और हमारे पास है मशरूम जो रमा ने बनाया और क्या क्या ये मैरिनेट करके रखे हुए राइट। हाँ, गार्लिक सोया एंड हर्ब्स, तो इसके बाद का बहुत अच्छा टेस्टी आने वाला है। और मेरे पास है ये आलू टिक्की टाइप बर्गर, इंडियन टाइप का सबसे क्लोज, तो अब हम इसको लगा देते हैं इसमें बस। और अब हम पाइनएप्पल भी लगा देते हैं, फिर हम इंतजार करेंगे जैसे जैसे खाना बनेगा वैसा वैसा खाना शुरू करेंगे। बट एज ऑफ नाउ आई एम होपफुल कि टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। सो दिस इज आवर मशरूम आफ्टर 40 मिनट्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड ये हमारे आलू टिक्की है जो ऑलमोस्ट आई थिंक हो चुके हैं, और ये पाइनएप्पल है जिसमें आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ा है और ये बंस है। सो अभी हम पहले ये खाते हैं, थोड़ी देर इसका इंतजार करेंगे फिर ये साथ में खाएंगे। खाना पीना एकदम डन है और अब हम जाने वाले हैं नीचे उधर। सो देयर इज दिस पार्क हियर और अब हम जाने वाले हैं मूवी देखने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं लास्ट टाइम भी गई थी बट आई स्टेड देयर ओनली फॉर 2 मिनट्स एंड नाउ इज द टाइम जब मैं जाके एक्चुअली मूवी देखने वाली हूँ। आई एम एक्साइटेड कि आपको भी दिखाऊँ। पता है क्या होता है ना कि मतलब मैं हमेशा चीज़ें जब बाहर जाके एक्सपीरियंस करती हूँ मेरा सोल फंडा होता है कि आप भी जाके मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर सको। सो पेट पूजा डन, अभी मूवी इन्जॉय करते हैं और नीचे जाते हैं। ओके तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे एक ओपन मूवी थिएटर में। बहुत सही लग रहा है, मतलब एज ऑफ नाउ तो इट लुक्स रियली रियली नाइस। मैं ऑनेस्टली अभी बस आई हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। और पता है एज एन इंडियन मैंने अपना ऐसा एक मस्त ही जगह पकड़ लिया, यहाँ सामान डाल दिया, मैं थोड़ा बहुत इधर घूम भी लिया क्योंकि ये जगह तो मेरी है। तो यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग साथ में बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है लक्ष्मण रेखा जो कि है ये। तो ना यहाँ पे हर बंदा एक सर्कल के अंदर है, जैसे एक पूरा सर्कल है, सर्कल के अंदर सारे बंदे हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं दूर दूर बैठे हुए हैं एक अच्छी तरह से। मान लो वहाँ पे एक फैमिली है वो थोड़ा सा दूर है, एक उधर वहाँ पे डॉगी वाली फैमिली है वो भी थोड़ा सा दूर है। इंजॉय करने वाले आज हम, कॉन्सेप्ट बेसिकली यही होता है कि भाई मतलब ऐसी मूवी लगती है जो साथ में सब लोग देख सके। तो ये है हमारे स्टैमफोर्ड का ओपन एयर सिनेमा और यहाँ पे प्रोजेक्टर लगेगा और यहाँ पे ज़बरदस्त टेलीकास्ट होगा मूवी का जिसका नाम है टॉय स्टोरी 4। और अभी यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक अभी बस सनसेट होने ही वाला है थोड़ा टाइम बाद, एंड देन उसके बाद मूवी स्टार्ट होगी। देख सकते हो आप लोग बहुत सारे बैठे हैं बट सब अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर बैठे हैं। एक बिल्कुल इधर, आई डोंट नो लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा ये वाला क्यों नहीं लिया लोगों ने, तो अब यू नो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट किसी ने लिया तो कोई भी नहीं ले रहा, बट वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं तो आई थिंक लोग तो काफ़ी सारे हैं। अब थोड़ा सेटल डाउन हो जाते हैं और मूवी इन्जॉय करते हैं। अच्छा तो अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 8:30 और अभी सामने आपको मूवी दिख रही होगी। स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सॉलिड है और लाइटिंग भी ना थोड़ी अच्छी है, मतलब आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड है, साउंड बहुत सॉलिड है। एक यहाँ पे स्पीकर है किधर, हाँ एक इधर है एक उधर है, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग साथ में बैठ के देख रहे हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग इतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो रही है, लोग काफ़ी पास पास बैठ गए हैं। वो जो लक्ष्मण रेखा थी वो लोगों की पार हो गई है एंड द फोकस इज़ बैक ऑन टॉय स्टोरी। काफ़ी सही मूवी है, मज़े आ रहे हैं। So this is my time to say goodbye to all of you. I am grateful क्योंकि पता है क्या, because of YouTube मैं छोटी छोटी life की चीज़ें enjoy करती हूँ और जाके vlogs बना लेती हूँ। So I'm grateful and thankful to you. अगर आपने अभी तक मुझे Instagram पे follow नहीं किया, you should do that. वहाँ पे good morning, good evening चलता है, that is not important but I think usually बहुत सारी conversations होती हैं, you should definitely follow me on Instagram. मेरा नाम है अलबेली ऋतु वहाँ पे भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग, शेयरिंग, कॉमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल की फ्री है, कर दो ना यार।